आज इस वीडियो में हम डाउनलोड करेंगे फ्लटर एसडीके। तो हम टाइप करते हैं डाउनलोड फ्लटर एसडीके, इसको ओपन करते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं विंडो को, तो यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं फ्लटर एसडीके। तो ये अभी डाउनलोड हो रहा है, तो ये डाउनलोड हो गया। तो हम शो एंड फोल्डर करते हैं इसको। ये जो जिप फाइल है अभी इसको हम अनजिप करते हैं। तो यह हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं सी फोल्डर में src। तो वो जो जिप फाइल है हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करते हैं, अनजिप करते हैं टू सी फोल्डर src फोल्डर में। अभी ओके पे हम क्लिक करते हैं। तो ये जो है अभी अनजिप हो रहा है src फोल्डर में। तो या हम इसको ओपन करते हैं और फ्लटर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बिन का फोल्डर होगा वो सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो पाथ है अभी अभी हम इसको कॉपी करते हैं और सिस्टम वेरिएबल एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ सेट करते हैं। तो ये ओपन करते हैं, यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से पाथ पे क्लिक करते हैं। अगर पहले से पाथ अवेलेबल है तो इसको हम डिलीट करते हैं फ्लटर के लिए। तो न्यू पे क्लिक करते हैं, नया पाथ जो है वो क्रिएट करते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं, ओके। तो अभी हम डाउनलोड करते हैं विजुअल्स डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। तो इस वेबसाइट को ओपन करते हैं और यहाँ से हम जो है विंडो पे क्लिक करते हैं। तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है, तो हम इसको ओपन करते हैं शो एंड फोल्डर और यहाँ से हम इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से रन पे क्लिक करते हैं, आई एक्सेप्ट लाइसेंस, नेक्स्ट नेक्स्ट। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करते हैं ताकि आइकन क्रिएट हो जाए और यहाँ से नेक्स्ट। अभी इंस्टॉल करते हैं इसको। फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो इसके बाद हम डाउनलोड करते हैं डाउनलोड गेट git, हम टाइप करते हैं और एंटर करते हैं। फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करते हैं और यहाँ से विंडो सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम 64-bit को सेलेक्ट करेंगे विंडो सेटअप। तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है, इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ से जो है इसको इंस्टॉल करते हैं। यस पे क्लिक करते हैं, इंस्टॉल। तो अभी इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ से फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन का आइकन है इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से फ्लटर को इंस्टॉल करते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल हो गया। तो अभी हम डार्ट को इंस्टॉल करेंगे।
ये ऑलरेडी जो है इंस्टॉल है, तो यहाँ से अभी हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें हम एप्स है वो स्टोर हो जाएंगे, और डॉक्यूमेंट में हम न्यू न्यू फोल्डर, यहाँ से फ्लटर एप्स, हम फोल्डर का नाम नेम देते हैं। तो अब ये फोल्डर जो है हम विजुअल स्टूडियो में सेट करते हैं, ओपन फोल्डर, यहाँ से वो फोल्डर जो है वो सेलेक्ट करते हैं। हम न्यू टर्मिनल पर क्लिक करते हैं, कुछ कमांड है वो रन करते हैं, फ्लटर क्रिएट, और एप्लीकेशन का नेम देते हैं हेलो वर्ल्ड। या हम सीडी हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, और यहाँ पे टाइप करते हैं फ्लटर रन। और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं